हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ कैन यू, व्हाट इज जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। उसका हमने प्रोग्रामिंग देखना है अभी। ठीक है, प्रोग्रामिंग मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग। तो सेंसर इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जो आपने कनेक्ट किया है, उस इनपुट डिवाइसेस जो डेटा दे रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लेके आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं LPC 2148 माइक्रो कंट्रोलर का, विच इज आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लिया था, पोर्ट 0 क्या चीज़ है, पोर्ट 1 क्या चीज़ है, दे आर ऑल 32 बिट लॉन्ग। पोर्ट 1 की सिर्फ इनपुट आउटपुट में ओनली P1.16 to 1.31 इतनी ही पिन यूज एज अ GPIO यूज हो सकती है। ठीक है, अगेन हमने देखा था कि किसी भी पिन का मल्टीपल फंक्शन हो सकता है। अगर आपको उस एज अ GPIO यूज करना है, देन यू हैव टू गो विद द सिलेक्ट रजिस्टर, पिंसल रजिस्टर। ओके, आफ्टर दैट स्लो GPIO और फास्ट GPIO के बारे में हमने देखा था। फास्ट GPIO और स्लो GPIO स्पीड कंज्यूमिंग के बारे में है, लेकिन अभी आपका इनिशियल स्टेट चल रहा है, सो डोंट गो फॉर अ स्पीड पर्पस। ओके, उसके लिए मत जाओ। अभी सिर्फ कंसंट्रेट करो कि आपके लॉजिक पे, कि कैसे आप अपना लॉजिक सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर फास्ट GPIO का यूज़ करना है, देन यू हैव टू गो फॉर IO पिन, IO DIR, IO सेट एंड IO CLR। इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर स्लो GPIO, देन यू हैव टू गो फॉर द IO 0। अगेन सेम चीज ही है। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमने एक्चुअली एक्चुअल प्रोग्रामिंग के बारे में है, कि कैसे आप LEDs या स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क है कि ब्लिंक द LEDs सेपरेटली। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन लार्ज कर देता हूँ। विल ब्लिंक द LEDs रिपीटेडली दैट आर कनेक्टेड टू पोर्ट 1 पिन्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ओके, पोर्ट 1 की पिन के साथ जितनी भी LEDs हमने कनेक्ट किया है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको रिपीटेडली ऑन ऑफ करना है। आप जानते ही हो, पोर्ट 1 में आप सिर्फ 16 पिन्स का ही यूज कर पाओगे। टोटल पोर्ट 1 32 पिन्स का है, जिसमें से GPIO के जैसे सिर्फ 16 पिन्स, यानी कि P1.16 to 1.31 इतनी पिन्स ही यूज हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने LEDs कनेक्ट किया है, हमें क्या करना है, LED को ऑन करना है, वेटिंग फॉर सम टाइम, LED को ऑफ करना है, अगेन वेटिंग फॉर सम टाइम, LED को ऑन करना है, वेटिंग फॉर सम टाइम। इस तरह से हमें LED को ऑन या ऑफ कंटिन्यूस करते रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेन प्रोग्राम है हमारा सी प्रोग्रामिंग, अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्राम में भी अगर आपको असेंबली का जो स्ट्रक्चर यूज करना है, देन यू हैव टू इंक्लूड दिस लाइब्रेरी LPC 2148.h। ये लाइब्रेरी जब आप ऐड करोगे तो सी को समझ में आएगा कि भाई IPencil 2 क्या चीज़ है, IO1DIR क्या चीज़ है, IO1 सेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये सब अगर सी को समझाना है, देन यू हैव टू ऐड दिस, इंक्लूड दिस लाइब्रेरी LPC 2148.h। ओके, आफ्टर दैट हम वेरिएबल जनरेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डीले जनरेट करना है। ठीक है, डीले मतलब वेटिंग फॉर सम टाइम। तो एक वेरिएबल हमने रखा है जो डीले जनरेट करेगा। एक्चुअली डीले में आप क्या करते हो, तो डीले इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, वो टाइम के लिए जो प्रोग्राम का प्रीवियस स्टेटस है उसको कंटिन्यू रखते हो आप। ओके, मतलब वो टाइम के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा।
यू कांट डू एनीथिंग फॉर दैट टाइम, एक्चुअली इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेकिन वेस्टिंग ऑफ टाइम का हम यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन ऑफ करना है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. इंटीजर मेन वॉइड, हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट है. पिन सेल टू, आपको मालूम ही होगा पिन सेल टू का यूज क्यों करते हैं हम. पिन सेलेक्ट टू रजिस्टर जो है वो यूज होता है पोर्ट वन का जीपीआईओ, जितने भी कन्फिगरेबल जीपीआईओज है उसको कन्फिगर करना एज अ जीपीआईओ, क्योंकि सभी पिन्स का मल्टीपल फंक्शन है. वो एडीसी के जैसे भी यूज होते हैं, सभी पिन के प्रीडिफाइन मल्टीपल टास्क हैं. अभी हमें यहाँ पे एज अ जीपीआईओ यूज करना है, तो पिन सेल टू का यूज करेंगे हम. इसके लोअर एक्चुअली हायर पी 1.16 टू 1.31, ये जो चार यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट्स नॉट अ बाइनरी, इट्स अ हेक्स वैल्यू. Each and every digit in a hex will represent 4 digits in a binary. So total we have 16 pins which is to be controlled. P1.16 to 1.31. यहाँ पे हमने सभी पिन्स को जीरो कर दिया है, मतलब लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ये पिन्स ही GPIO के जैसे कन्फिगर होंगे क्योंकि वो कन्फिगरेबल है एज अ GPIO. आगे के जो 1.0 टू 1.15, इट इज नॉट कन्फिगरेबल, दिस पिन्स आर नॉट कन्फिगरेबल एज अ GPIO. ठीक है, मतलब पिन सेल 2 से हमने क्या किया, मतलब के पोर्ट 1 की जितनी पिन्स है कन्फिगरेबल, उसको एज अ GPIO कन्फिगर कर दिया. आफ्टर दैट IO1DIR क्या यूज होता है इसका, पोर्ट 1 की पिन्स को एज अ इनपुट या आउटपुट कन्फिगर करने के लिए. यहाँ पे आपने बोल तो दिया कि भाई GPIO है, लेकिन GPIO में तो इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होता है, तो IO1DIR से क्या किया हमने कि आज जितने भी हमें पिन्स चाहिए उसको एज अ आउटपुट कन्फिगर किया. क्यों हमने आउटपुट कन्फिगर किया, क्योंकि हमें यहाँ पे LEDs कनेक्ट करनी है एंड LEDs आर आउटपुट डिवाइस, सो ओनली दिस 16 पिन्स कैन बी कन्फिगर्ड एज अ IO एज अ आउटपुट. ठीक है, उसको मैं 1 रखता हूँ पिन को, IO1DIR की किसी भी पिन को मैं 1 करता हूँ, मतलब कि वो पिन एज अ आउटपुट वर्क करेगी. ठीक है, समझ में आ गया, पिन सेल 2 एंड IO1DIR. नाउ व्हाइल 1, आपको मालूम ही होगा सी में व्हाइल लूप किसके लिए होता है, कंडीशन चेक के लिए. लेकिन जब कभी भी कंडीशन चेक की जगह पे मैं 1 कर देता हूँ, इसका मतलब है कि एवरी टाइम बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा. ठीक है, इनफाइनाइट लूप मतलब एवरी टाइम इट विल द बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड, ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड. क्लियर, नाउ क्या करते हैं हम, IO1 set. ओके, IO1 set का क्या यूज होता है, किसी भी पिन किसी भी बीट ऑफ IO1 set को आप 1 करते हो तो क्या होता है, पर्टिकुलर पिन पे स्टेटस चला जाता है 1, मतलब के पर्टिकुलर पिन पे जो एलईडी कनेक्ट किया है उसको मिलेगा 1, और 1 मतलब एलईडी विल बी ऑन. ठीक है, तो मतलब हमें 16 LEDs को ही कंट्रोल करनी है 1.16 टू 1.31, तो ऑल द LEDs आर ऑन. ठीक है, समझ में आया, IO1 set को जब हम सेट करते हैं तो LEDs सेट हो जाती है, मतलब ऑन हो जाती है. ठीक है, उसके बाद है फॉर लूप. फॉर लूप में जनरली होता है कि इनिशिएशन, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट. ओके, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइजेशन किया है 0 से, कंडीशन चेक हो रही है कि 0 इज लेस देन 5 lakhs और नॉट. ओके, इट इज लेस देन 5 lakhs, इट्स अ इंक्रीमेंटेड. अभी डिले का वेरिएबल है उसका स्टेटस हो जाएगा 1. अगेन कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन 5 lakhs, यस, अगेन इट्स इंक्रीमेंटेड. 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5 lakhs, अगेन इट्स इंक्रीमेंटेड. 3, 4, 5, ऐसे कब तक चलेगा,
यहाँ पे ही लूप कब तक घूमता रहेगा, जब तक डिले की वैल्यू 5 लैक्स नहीं हो जाती। जैसे ही वो 5 लैक्स होगी तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, बिकॉज 5 लैक्स इज नॉट लेस देन 5 लैक्स। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और प्रोग्राम हमारा लूप के बाहर आ जाएगा, यानी कि उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अभी यहाँ पे क्या करता है, हम पर्टिकुलर इतने टाइम के लिए कुछ नहीं होगा, एलईडी का जो स्टेटस ऑन था वो ऑन का ऑन ही रहेगा। ओके, मतलब अप टू 5 लैक्स तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा वो टाइम के लिए एलईडी ऑन रहेगी। उसके बाद क्या होगा, एलईडी विल बी क्लियर। अगेन हमने ये मेमोराइज करो कि जब कभी किसी भी पिन को आपको जीरो करना है तो IO1CLR की वो बीट को आपको सेट करना पड़ता है। ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि पर्टिकुलर पिन को क्लियर करने के लिए, जीरो करने के लिए हमें पर्टिकुलर IO1CLR की पर्टिकुलर बीट को हमें वन करना पड़ता है। तो हमने किया IO1CLR, उसकी 1.16 टू 1.31 इतनी बीट्स को वन किया, मतलब कि वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो हो जाएगी तो उसके साथ LEDs जो कनेक्ट की है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगेन वेट फॉर द डिले, इनिशियलाइजेशन विद द जीरो, अगेन वेटिंग फॉर टू बी अ वैल्यू 5 लैक्स, मतलब वो एलईडी ऑफ रहेगी। अगेन वापस आएगा वाइल वन जो कि इनफाइनाइट लूप है, अगेन सेट होगा, वेट फॉर द डिले, क्लियर, वेट फॉर द डिले, ऐसे चलता ही रहेगा। तो 1.16 टू 1.31 यहाँ पे जितनी भी एलईडीज आपने कनेक्ट की है वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी, जितने टाइम के लिए ऑन होगी उतने ही टाइम के लिए ऑफ होगी। क्लियर, ये प्रोग्राम समझ में आ गया, इट्स ए बेसिक प्रोग्राम कि हाउ कैन यू कंट्रोल एलईडीज। ओके, वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, और नेक्स्ट टास्क इज टर्निंग एलईडी ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन अ स्टेटस ऑफ अ पिन। ओके, यहाँ पे क्या किया है, हमने दो अलग अलग पिन लिया है, एक पिन पे हमने कनेक्ट किया है एलईडी और दूसरे पिन पे हमने कनेक्ट किया है स्विच। ओके, अगर मैं स्विच प्रेस करता हूँ, मतलब स्विच की पोजीशन के हिसाब से एलईडी ऑन ऑफ होगी। अगर स्विच प्रेस है तो एलईडी शुड बी ऑन, अगर स्विच क्लोज है, ओपन है, मतलब कि डी प्रेस है, तो एलईडी शुड बी ऑफ। ठीक है, हमें इतना करना है। ओके, एलईडी इज कनेक्टेड टू पी 0.0 एंड स्विच इज कनेक्टेड टू 0.1। अभी क्या होगा कि एलईडी आपने कनेक्ट किया है, एलईडी इज आउटपुट डिवाइस कि जिसको हम कनेक्ट करने वाले हैं 0.0 के साथ, मतलब के 0.0 पिन है, उसको हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज अ आउटपुट। ओके, और 0.1 पिन जहां पे हमने स्विच कनेक्ट किया है, एंड यू नो दैट स्विच इज अ इनपुट डिवाइस, तो 0.1 को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज अ इनपुट। ठीक है, तो स्टार्ट करता है प्रोग्राम। सबसे पहले एज इंक्लूड LPC2148.h, लाइब्रेरी इंक्लूड करना जरूरी है तो ही सी को समझ में आएगा कि IO0 पिन, पिन सेल 0, इसका क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद STDINT.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यहाँ पे इनपुट भी कनेक्ट कर रहे हैं, आउटपुट भी कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्लूड STDINT.h। मेन प्रोग्राम हमारा। ओके, कीप इन माइंड पिन सेल 0, यहाँ पे हम सिर्फ पोर्ट 0 का यूज कर रहे हैं, तो पोर्ट 0 की दो पिन का ही यूज कर रहे हैं, 0.0 एंड 0.1। इसमें से एक को हम एज ए इनपुट कन्फिगर करेंगे, दूसरे को एज ए आउटपुट। ठीक है, तो पिन सेल 0 क्या करेगा, पिन्स को एज अ GPIO कन्फिगर करेगा। ठीक है, तो उनका स्टेटस मैंने रखा है 00, यानी कि ये डिजिट का बाइनरी क्या होगा, 0000,
यानी कि जो दो लास्ट बिट हमें चाहिए वो एज अ जीपीआईओ कॉन्फ़िगर को चाहिए। उसके बाद आईओ जीरो डीआईआर, उसकी डायरेक्शन सेट करेंगे, मतलब दो पिन में किसको हमें एज अ इनपुट रखना है, किसको एज अ आउटपुट रखना है, वो डिपेंड करेगा आईओ जीरो डीआईआर पे। तो ये जो लास्ट डिजिट आपको दिख रही है वन, उसका एक्चुअली बाइनरी क्या होगा, 0001, यानी कि 0.0 का स्टेटस है 1 और 0.1 का स्टेटस है 0। तो अभी यहाँ पे हमें एलईडी 0.0 पे कनेक्ट करना है, मतलब कि एज अ आउटपुट, तो उसका स्टेटस है 1, ओके 1 मतलब आउटपुट, और 0.1 विल बी 0, मतलब के वहां पे हमने कनेक्ट किया है स्विच, मतलब वो कॉन्फ़िगर होगा एज अ इनपुट। ओके सो क्लियर अबाउट दिस। ओके नाउ व्हाइल 1 क्या इंडिकेट करेगा, ये इनफाइनाइट लूप के जितनी भी बार हमारा कंडीशन चेक होगा व्हाइल का, इट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप। ओके मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट लूप। अभी यहाँ पे मेन लॉजिक हमारा रहेगा कि अगर हमें स्विच प्रेस है तो हमें उसके आउटपुट पे वो पिन पे क्या मिलेगा, 0। ओके ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जब कभी भी आपने स्विच कनेक्ट किया है और वो स्विच प्रेस है तो उसके पिन पे आपको मिलेगा 0, और अगर वो स्विच डीप्रेस है मतलब ओपन है तो पिन पे आपको मिलेगा 1। ठीक है अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इफ स्विच इज प्रेस्ड देन पिन विल गेट 0, इफ स्विच इज डीप्रेस्ड और ओपन पिन विल गेट 1। क्लियर, तो यही लॉजिक पे हमें एलईडी को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली है इफ एल्स, आप जानते ही हो इफ एल्स, इफ में जो भी आप कंडीशन डालोगे अगर वो 1 होगी तो भी उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अदरवाइज द बॉडी ऑफ एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन डाली है, आईओ जीरो पिन, ये क्या करता है, आईओ जीरो पिन मतलब हमारा एक्चुअल इनपुट पिन है, वो इनपुट पिन यानी के जहां पे हमने स्विच कनेक्ट किया है 0.1, उसका हमने एंडिंग किया है किसके साथ, 1 less less 1, यानी के 1 के साथ। अगर मेरा इनपुट, अगर मेरी स्विच प्रेस है तो क्या होगा, इफ स्विच इज प्रेस देन आई विल गेट अ 0, ओके, और अगर स्विच प्रेस नहीं है तो मुझे आईओ पिन पे क्या मिलेगा, 1। अभी हम 1 by 1 एक एक केस देखते हैं कि अभी माना कि मेरी स्विच प्रेस हुई है, तो प्रेस हुई है तो मुझे यहाँ पे 0 लॉजिक मिलेगा, तो 0 एंडिंग विथ 1 आउटपुट विल बी 0, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो else वाला एग्जीक्यूट होगा। else में क्या किया है हमने, IO 0 सेट, मतलब के LED को हमने सेट किया है, ऑन किया, ठीक है, अगर स्विच प्रेस है LED विल बी ऑन। दूसरा केस देखते हैं कि अगर मैंने स्विच प्रेस नहीं किया है, ओपन, तो IO 0 पिन का स्टेटस क्या रहेगा, वो पिन पे हमें लॉजिक मिलेगा 1, तो 1 विल बी एंडिंग विथ 1, What will be the output? Output will be 1. तो यहाँ पे if वाली condition fulfill हो रही है, मतलब उसके body में जो instructions लिखी है वो execute होगी, यानी के IO0CLR। अभी IO0CLR में जब आप किसी को 1 करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो LED clear हो जाएगी, मतलब off हो जाएगी, तो LED will be off। यहाँ पे थोड़ा mistake है, टर्न ऑफ द एलईडी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा टर्न ऑन द एलईडी। क्लियर, यहाँ पे आएगा ऑफ और यहाँ पे आएगा ऑन। सो क्लियर, सो डिपेंडिंग ऑन अ पोजिशन ऑफ अ स्विच यू कैन डिसाइड द स्टेटस ऑफ एलईडी। ओके अगेन ये इनफाइनाइट लूप है, ऐसे घूमता ही रहेगा,
स्विच जब आप प्रेस करोगे एलईडी विल बी ऑन, स्विच आप डिप्रेस करोगे रिलीज करोगे एलईडी विल बी ऑफ। सो होपफुली ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये एकदम सिंपल लॉजिक है, हर जगह पे इनपुट डिवाइसेस जब आपको सेंसर्स क्या चीज है, दे आर इनपुट डिवाइसेस, तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए सेंसर्स के हिसाब से जब हमें आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल करनी है तो यही लॉजिक काम आता है। ओके सो अगर कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।